नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज। मैंने एनसी बाजार देखते सुबह की 10 ताजा खबरें। टहलने की आदत की वजह से मारा गया अल जवाहिरी अलकायदा का सरगना ऐमान अल जवाहिरी। अमेरिका ड्रोन हमले में मारा गया एक अमेरिका अधिकारी ने खुलासा किया है कि ये जैसे ही बालकनी में टहलने के लिए निकला तो उस पर रीपर ड्रोन में से 2 हेल फायर मिसाइलें दागी गई हैं। हमला अफगानिस्तान के समय अनुसार रविवार सुबह 6:18 पर किया गया। उधर अमेरिका में शनिवार की रात के 9:48 का समय था। अमेरिका अफसर ने बताया है कि अमेरिका एजेंसी अब काबुल में उसका पीछे 6 महीने से लगातार पीछा कर रही थी। इस कार्रवाई पर अमेरिका ने कहा है कि 9/11 हमला का बदला ले लिया गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले, इंसाफ हो गया। इस साल जनवरी में अमेरिकी खुफिया सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि अल जवाहिरी की पत्नी, बेटा और पोते काबुल में एक घर में शिफ्ट हुए थे। अमेरिका अधिकारी के मुताबिक, हमने उन पर नज़र रखते, ऐसे जवाहिरी का परिवार वो सारे एहतियात बरत रहा है तो इसके कोई उनका पीछा ना कर सके, लेकिन सुराग हमें मिल चुके थे। नेशनल हेराल्ड के 16 ठिकानों पर छापे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने टीम ने मंगलवार सुबह नेशनल हेराल्ड के लिए दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत 16 ठिकानों पर छापे मारे। ये कार्रवाई सोनिया और राहुल से पूछताछ के बाद की गई। इस कार्रवाई के कुछ बाद राहुल गांधी ने नेशनल सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि कांग्रेस आप लोगों की है और आप कांग्रेस की ताकत है जो तानाशाह के हर फरमान से लड़ना चाहते। ईडी की कार्रवाई के दौरान ये ही राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि खुद को अकेला मत समझना, आपके लिए मैं और कांग्रेस पार्टी लड़ते आ रहे और आगे भी लड़ेंगे। आज देश में किन मुद्दों पर विचार विमर्श होना चाहिए ये आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि सरकार की हर गलत नीति का असर आपके जीवन पर पड़ रहा है। मंकीपॉक्स से केरल में मौत। भारत और मंकीपॉक्स के अब तक 5 केस दर्ज हो चुके। कर्नाटक की हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज ने कंफर्म कर दिया है कि केरल में मंकीपॉक्स से एक मौत हो गई। मृतक की उम्र 22 साल थी। यूएई से अपना घर लौटा था। यूएई से निकलने के लिए एक दिन पहले ही उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। मंकीपॉक्स को अब तक लोग सीरियस नहीं ले रहे थे। देश में भी पहली मौत के बाद इसको लेकर किस तरह सचेत होने की जरूरत। पात्रा चावल घोटाले में 2 और जगह ईडी के छापे। 1,000 करोड़ ज्यादा से पात्रा चावल घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मुंबई में 2 जगहों पर छापे मारे हैं। हालांकि ये छापेमारी कहां चल रही ईडी की जानकारी नहीं दी। ईडी से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि राउत के 2 करीबियों पर ये कार्रवाई हो रही है। वहीं शिवसेना सांसद राउत ने 4 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में, ईडी ने उन्हें इस घोटाले का सक्रिय सृष्टिकर्ता बताया है। घोटाले में पहले से गिरफ्तार प्रवीण राउत का संजय का फ्रंटमैन बताया गया। ईडी आज प्रवीण और संजय राउत को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। शिवसेना सांसद संजय राउत की करीबी होने के कारण प्रवीण को महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी MHADA से जरूरी मंजूरी मिली। ईडी का दावा है कि अब तक की जाँच में पता चला है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवीण द्वारा अवैध रूप से प्राप्त 112 करोड़ रुपये से 1.6 करोड़ रुपए सीधे संजय राउत और उनके परिवार को दिए गए हैं। राम रहीम की याचिका पर सुनवाई। 13/14 के मुखी राम रहीम की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। राम रहीम ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के बेअदबी केस की जांच CBI से वापस लेने के विरोध जताया। पिछली सुनवाई में डेरे के वकील ने 2 घंटे की दलील दी। डेरा मुखी इस वक्त रोहतक की सुनहरे जेल में संगीन अपराधों से कैद की सजा काट रहे हैं। पंजाब पुलिस की SIET में हाल ही रिपोर्ट तैयार की जिसमें राम रहीम को बेअदबी की साजिश का मास्टरमाइंड करार दिया गया है। पंजाब में साल 2015 में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के कई केस हुए थे, जिनकी जांच के लिए तत्कालीन अकाली भाजपा सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाई थी। इसके बाद ही यह जांच CBI के पास चली गई। बाद में ही सरकार बदल गई। कांग्रेस सत्ता में आई CM कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में विधानसभा में प्रस्ताव पास कर जांच CBI से वापस ले ली गई है। संजय राउत की पत्नी वर्षा के घर ईडी के छापे। ईडी ने शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के घर पर छापेमारी की। वर्षा का नाम 1,000 करोड़ रुपए का पात्रा चाल जमीन घोटाले में आया था, जिसके बाद उन्हें जांच एजेंसी के शिकंजा कसा है। इसके पहले ईडी ने उनसे PMSE बैंक घोटाले में भी समन भेजा। दूसरी बात, शिवसेना का कहना है कि वर्षा राउत को उनके पति संजय राउत की राजनीति के चलते बेवजह परेशान किया जाए। संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा पर चाल की जमीन को गलत तरीके से बिल्डरों को बेचने के आरोप हैं।
बताया जा रहा है कि संजय और वर्षा के करीब प्रवीण राउत ने पात्राचाल की जमीन सरकार से वहां फ्लैट डेवलप करने के लिए, जिसमें से उन्हें 672 फ्लैट्स वहां पर रहे चौल के लोगों को देने हैं। लेकिन संजय की राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए प्रवीण ने जमीन लगभग 1,000 करोड़ से दूसरे बिल्डरों को बेच दी। पीलीभीत को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग। उत्तर प्रदेश के मानसून सत्र का आगाज के बावजूद में भी जिले बारिश ना होने के किसानों के साथ साथ अब जनप्रतिनिधि से भी परेशान होने लगे। जनप्रतिनिधियों में से ग्रुप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर जिले के सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की गई। उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र का आगाज के बावजूद भी पीलीभीत जिले में बारिश नहीं हो रही, जिसके कारण किसान बहुत परेशान है। फसलों में से भी तरह तरह की बीमारी पैदा हो रही है। ऐसे में किसानों की समस्याओं को ध्यान रखते हुए सीएम को पत्र लिखा गया है। ऐसे में किसानों की समस्याओं का ध्यान रखते हुए सीएम पत्र लिखा गया। भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष संजीव प्रताप पूरनपुर विधानसभा से विधायक बापूराम पासवान, बिसलपुर विधानसभा से विधायक विवेक वर्मा और बरखेड़ा विधानसभा से विधायक स्वामी प्रवक्ता नंद ने संयुक्त रूप से एक पत्र लिखा है। उन लोगों के जिले का सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की गई है। गाजियाबाद में बीच सड़क पर भिड़े पुलिस वाले। गाजियाबाद में से फोर व्हीलर डायवर्जन था, इसके बावजूद एक सफेद ऑल्टो इस रूट पर आ गई। ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने कार को रोका तो पूछने पर ड्राइवर ने बताया कि वो स्टाफ है। जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने कार वापस लेकर जाने के लिए कहा तो इस पर दोनों पुलिसकर्मी भिड़ गए। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि दोनों पुलिसकर्मियों बीच सड़क पर मारपीट हो रही। इस दौरान एक शख्स वहां आया, दोनों पुलिसकर्मियों के बीच बचाव कर हालांकि इसके बावजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने कार सवार पुलिसकर्मी को कई लाते मारे और गालियां भी दी। पता चला है कि घटनाक्रम सोमवार शाम गौशाला अंडरपास के नजदीक का यह चार पहिया गाड़ियों के लिए डायवर्जन था। एसपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा ने बताया कि वायरल वीडियो जानकारी में आया है। संबंधित ट्रैफिक पुलिसकर्मी से पूछताछ की जा रही थी कि इन वजह से विवाद हुआ। कार चलाने वाला सिपाही खेल कोटे से पुलिस विभाग में तैनात हुआ है। सोमवार बरतने जिला कॉमनवेल्थ मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स के 92 साल के इतिहास में भारतीय लॉन बॉल्स महिला टीम पहली बार फाइनल में पहुंचे। टीम ने न्यूजीलैंड जैसे मजबूत टीम को 16-13 से हराया। भारतीय खिलाड़ी लवली चौबे, पिंकी नवन, मोनी सेकिया, रूप रानी टिर्की ने शानदार प्रदर्शन किया। कुछ खिलाड़ियों ने तो सावन का सोमवार व्रत भी रखा था। मैच के बाद खिलाड़ियों ने कहा है कि भोले बाबा की कृपा से ही हम फाइनल में पहुंचने में सफल हो रहे हैं। भारतीय टीम चौथी बार लॉन बॉल्स में भाग ले रही है। पहली बार टीम ने 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया था। अब उसने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था। 2024 की ईद पर आएगी धूम 4। यशराज फिल्म्स की हिट फ्रेंचाइजी धूम के चौथे पार्ट को लेकर ट्रेंड सर्किट में दोबारा चर्चाओं में हो रहे। अगले साल ही बैनर की दो बड़ी फिल्में पठान और टाइगर श्रॉफ रिलीज होगी। ऐसे में YRF इन तीनों फिल्मों के बाद यानी साल 2024 की ईद पर बिग बजट फिल्म धूम 4 को सौगात देने की तैयारी कर रहे। फिल्म में जुड़े सूत्रों ने धूम 4 को लेकर कई जानकारी शेयर की है। उन्होंने कहा है कि फ्रेंचाइजी के चौथे पार्ट को डायरेक्ट करने के लिए संजय गर्वी को वापस बुलाया जा रहा है। तीसरा पार्ट उनके बजाय विजय कृष्ण आचार्य ने डायरेक्ट किया था। अब अगर संजय गर्वी को ऑन बोर्ड लिया जाता है तो उनके पास एक पार्ट के लिए कई के पास इस पार्ट के कई स्क्रिप्ट लिखी हुई है। यदि सुबह की 10 ताज़ा खबरें ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।